चलो भाई अनबॉक्सिंग करो न्यू आईफोन 11 प्राइस और इसके अंदर निकलेगा तो मिल जाए तो आप ही के जूता ला बच रहा तो पता लगे बेड पटक पटक मारे जा दो आप एक को 6 बजे भाभी आई कि नहीं तभी मुंह लाल है तमाचो तमाचो पी ले गए मैंने ले आ चुका है पिज्जा और ये देख लो रुका नहीं जा रहा बाबू भैया दाढ़ी मुझे सब साने रामू का लंडा है क्या हाँ अलग पैसा आज आज मोटा खर्चा हो कितने का हुआ है 50-25 एक लाख का सौदा बैठा आज पूरा अरे यार ये धक्का है भाई कैसे आदमी हो यार ऐसा कुछ है क्या अरे तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई सभी को और ये ब्लॉग भाई आज पता क्यों शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार तो ब्लॉग डाले हुए मेरे को हो गए 18-20 दिन और फिर मेरे को आज याद आया एक भाई है अपना उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा मेरे को मतलब वो देखता होगा शायद उसने देखा हो इंस्टाग्राम मैसेज करके मेरे कह रहा भाई अपने चैनल को भूल गए हो क्या मैंने कहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं भूले तो फिर भाई बाकी बाद में चेक किया मैंने तो भाई उसमें 17 दिन 18 दिन पुराना ब्लॉग पड़ा हुआ तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग शूट करता आज स्पेशल इसलिए भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं जो जैसे मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ ऑर्डर्स किए थे मतलब दो ऑर्डर हैं एक है टैब है MI का Xiaomi का MI रियलमी पता नहीं जो भी है ठीक है मैंने क्या हुआ वो अभी डिलीवरी थोड़ी देर में आने वाली तो ये पावर बैंक वगैरह मंगा रखा तो वो आएगा तो उसकी दिखा देंगे टैबलेट आने वाला है अभी टैबलेट की अनबॉक्सिंग दिखा देंगे और जो भी कितने का पड़ा कितने का नहीं पड़ा वो अभी जैसे ही आ जाएगा ना जब डिलीवरी होगी उसकी और जब अनबॉक्सिंग होगी तब दिखा देंगे तो भाई अपने डिलीवरी वाले हैं भाई साहब अपने उनको फ़ोन आया था तो कहते बस भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आने वाले हैं तो जैसे भी आ जाते हैं वैसे उनसे डिलीवरी दे के और बनाते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो और एक मजे की बात बताता हूँ टाइम हो रहा है 2 से ऊपर हो रहा होगा जितना मुझे पता और अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि उस भाई को फ़ोन आ गया तो क्योंकि पता है खाना खाने बैठूंगा ना अभी फ़ोन करते फिर नीचे आना पड़ेगा भाग के खाना पीना खाने के बाद अपना वही सेम टाइम फिर होने वाला है 5 बजे 5:30 बजे फिर जाना है जिम तो हका भी आज मस्त अतरंगी दोस्त है मेरे भाई सारे सारे आज दिखाऊंगा जितने भी है ना सब मस्त दिखाने वाला आज एक कहाँ एक आईफोन भी आने वाला है एक आईफोन आने वाला है शायद आगे होगा या नहीं आएगा आगे होगा ना तो अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा वरना फिर डायरेक्ट फ़ोन दिखा देंगे भाई साहब अपना पार्सल आ चुका है एड्रेस वगैरह छुपा ले थोड़ा सा ठीक है ये है इसको करते हैं भाई पहले अनबॉक्स फिर दिखाते हैं क्या है जा रही है अनबॉक्सिंग ऑफ अवर न्यू टैबलेट प्राइस और इसके अंदर निकलेगा ये जो कि उठेगा यहाँ से ऐसे अरे वाह यार ये तो लग बहुत प्रीमियम रहा है बड़ा पतला है और हमने सोचा इतना मोटा है वो वाला दिखाई दे रहा है इतना बढ़िया लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है चलो भाई इसको खोलते हैं पहले यहाँ से और ये होगा ये है देखो बढ़िया चीज दिख रहा है ऐसे दिखाओ ना हाँ ये देखो और पहले इसको ऑन देते हैं देखते हैं डब्बे में है क्या क्या और इसमें क्या है और इसमें है चार्जर चार्जर भी है साथ में कुछ पुस्तकों के साथ ये देखो और साथ में एक SIM eject टूल और यहाँ पे है ये चार्जर चलो भाई बाद में मिलते हैं सो भाई कैसा लगा आपको न्यू टैब जरूर कमेंट करके बताना ठीक है बाकी रखा कहाँ पे वो रखा पीछे यहाँ पे ठीक है ना तो बाकी अभी देखो वो वाला ऑर्डर आने वाला वो वाला ऑर्डर आया तो वो भी दिखाऊंगा वो भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कमेंट करके जरूर बताना और ब्लॉग में बने रहना एंड तक शाम को मस्त चीज़ दिखाऊंगा आपको तो भाई जिम के लिए हो चुके हैं फुल सेट अपना सारा सामान हमारा और जो दूसरा वाला पार्सल था ना वो रास्ते मिल जाएगा क्योंकि यार मैंने सोचा क्यों उसको वापस यहाँ बुलाऊं मुझे जाना उस तरफ है जिम जा रहा हूँ मैं तो वहीं जाकर रास्ते में मिलेंगे तो रास्ते से पिकअप करके और फिर चल रहे हैं जिम और आप डायरेक्ट मिलेंगे जिम में व्लॉग बना रहा हूँ व्लॉग में आ रहे हो तुम आज मेरे क्या बात कर रहे हो हाँ तैयार था जिस दिन बाइक नहीं थी पापा लेट आए थे उस दिन इस चक्कर में चलो भाई अपना पार्सल रिसीव हो चुका है और अनबॉक्स करेंगे बाद में फोन में छोड़ दियो अरे वाटरप्रूफ है कोई टेंशन नहीं है बैठ गया
दूसरा वो लेने दूं मैं। सो भाई जैसे अभी बताया था, हाँ हंस ले भैया पहले, ये रहा ये रहा ये रहा पहले। तो भाई अभी घर पे बताया था कि जो सुबह बताया था ना कि एक आईफोन और आने वाला, जो कि जिसकी अनबॉक्सिंग वगैरह प्रॉपर दिखाएंगे, लेकिन जिसका ये अनबॉक्सिंग सॉरी जिसका ये फोन है ना, इतनी गुस्सा आ रही उस आदमी के ऊपर। बोला हुआ था पहले भी कि अनबॉक्सिंग करेंगे भाई तसल्ली से, बट नहीं, मिलवाता हूँ देख लो ये हाथ, और इतनी एक्साइटमेंट की डब्बा फाड़ देगा ये देखो नहीं, भाई। वो इधर कैमरा अच्छा सॉरी ये हाँ, दूसरे ओनर ने फाड़ा है तो भाई देखो आज सबसे पहले इनके हाथ में आया, फिर आया इनके हाथ में, और फिर आया हमारे हाथ में। चलो भाई अनबॉक्सिंग करो न्यू आईफोन 11 128 GB पर्पल कलर, जो कि भाई मुझे नहीं मिला था। ठीक है, हाँ भाई जब लेने गया था बताया तो था इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है दो दो बार भाई साहब लग तो गजब रहा है। कुछ भी कहो भाई, ये मैं पहले बोल चुका हूँ वैसे तो, लेकिन ब्लॉग के चक्कर में दोबारा बोलना पड़ रहा। आप सबको ओपिनियन भी तो ले लें, ओनर का तो लेंगे नहीं बाबू भैया मीट अवर बेस्ट बिग ब्रदर बाबू भैया, एक पिक्चर भी लगा दूंगा जो कीची बाबू भैया बताओ कैसा लगा ये कलर वाइज फोन? मुझे पसंद में बहुत अच्छा है ना फोन, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जबकि मेरा फेस लॉक भी मेरा ही लगा नहीं हटा दिया मालिक ने हटा दिया हमने नहीं हटाया। अच्छा हम ही अच्छा, अरे तुम्हें हटाया अभी बढ़िया लगा ना फोन। आप अब अपने गुरुजी सर जी का रिएक्शन लेते, सर जी जिनका वेटिंग लिस्ट पे पड़ा हुआ है, हाँ जिनका अभी थर्टीन ओनली थर्टीन 128 GB अभी एक और आने वाला है, जो कि भाई पैसे वाले लोग देख लो भाई ये भूखने जा रहे हैं अपने 60-70 हजार रुपए। ठीक है, मोटा पैसा आ रहा है ऐसे, ये देखो ये सर जी चलो सर जी को पी ले लगाएंगे फोन, बताओ सर जी कलर वाइज फोन वाइज कैसा लगा? कलर वाइज फोन बहुत अच्छा है ये। अच्छा मेरे पास ज्यादा अच्छा है जी, मैं ब्लॉग डिलीट मार दूंगा ये बात हाँ वाइट देखो ये तो है, ये तो पास भी मेरा वाइट ही है, हाँ हाँ ऑनलाइन ही आता वाइट, ऑफलाइन कभी नहीं मिलता। मेरे को ऑफलाइन मिला तो मेरे को ये नहीं मिला, वहाँ कोई कलर ही नहीं था जब मैं लेने गया था, सिर्फ व्हाइट कह रहे व्हाइट देखो एवर ग्रीन वीडियो हो रही है हाँ ये मतलब देखने थोड़ा सा ना कहते ना फंकी फंकी वाला वो हाल है, हाँ अच्छा लगता है सर जी को पसंद आ गया मतलब है ना। आप कौन सा कलर ले लो 13 वाला? ब्लैक अरे नहीं ब्लैक में पता ही नहीं चलता कुछ भी, मेरे दोस्त पे 11 है उस पे ब्लैक मन तुम्हें बताया था यार उस टाइम पे कुछ नहीं पता चलता, पासवर्ड भी चेंज कर दिया हमने नहीं चेंज करा था अरे कह रहा था कि कर दे तो भाई मैंने कर दिया, वो पासवर्ड इतना यूनिक है उसको 3 बार डाला पूछो 3 मुझे तो मुझे 4 बार में याद हुआ पासवर्ड। और दूसरी चीज बाबू का पासवर्ड वो ये कैसे 27 ये कैसे पता चला? हाँ मुझे पासवर्ड पता है बाबू, एक साल से पता है। ये अकाउंट नंबर भी है क्या? एक साल से बाबू ये का पासवर्ड है। चलो भाई एक छोटे भाई से पूछ रहे कैसा लगा भाई फोन कलर वाइज आईफोन, तब तक खैर तूने मेरा देख ही रखा है कलर वाइज बता दे। कलर तो तुमसे अच्छा है इसका, चल दे दे हो गया बहुत हो गया तेरा। नहीं 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 ये तो फोन खोलने लग रहा है, ये तो धोती खोल रहा है भाई, ये अपना फोन एक और आइटम वेटिंग लिस्ट में, एक वेटिंग लिस्ट में प्लस अभी उसकी मेरे क्या कहते हैं मेरा पावर बैंक भी आना, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग अभी कर लेते हैं ना, अभी निकालता हूं निकालो, और उसके साथ और भी कुछ वो तो हो गई सुबह वो हो गई नहीं। अबे तो अब दिखा रहे हैं ना रुको, अच्छा दोबारा ये प्रोडक्ट निकल ना इसमें भी नहीं है टाइप सी, ये भाई अपना वो क्या कहते हैं पावर बैंक जो मेरा आज मैंने बोला दो डिलीवरी आएंगे, हाँ ये भाई हमारा कर रहा है अनबॉक्सिंग, ये देखो भाई अनबॉक्सिंग ये द न्यू वन भाई साहब पेपर ऊपर से खुलेगा, अबे कहीं से भी खोल लो ऊपर से खोल लो, चाहे खुल गई जिधर से खुलनी थी खुल गई, इसके अंदर केबल कह रहे थे यार आती है पता नहीं मुझे डर लग रहा आती है कि नहीं आती, एस्थेटिक वाली करते हो जाए तो हाँ वही मैंने बोला ना जो ऑर्डर किया था एम आई 10,000 अरे भैया इसमें जरूरत पड़ती है बाहर जाओ तो आज आज मोटा खर्चा हो कितने का हुआ है 50-25 एक लाख का सौदा बैठा आज पूरा अरे यार ये भाई ऐसा कुछ है क्या? अरे देखो ये अपना पावर बैंक ब्लैक कलर मंगाया मैंने, ब्लू कलर भी आ रहा था ठीक है,
ये एम आई वाला सही नहीं है और एक ये रखा है, ये मंगाया, एक ये रहा फोन, तीन तीन चीज़ इनका। अच्छा नहीं, यहाँ पे सच्चाई नहीं बोली, रियलिटी बता दिया, बाकी रियलिटी हमने बता दिया। ये 26,000 का पड़ा भाई। अच्छा, ये रियलिटी इसकी कितनी थी? रियलिटी ये सेम 26 है, ये असली और नकली दोनों 26 है। अच्छा 29 थी क्या? हाँ तो भाई 29 का है। चलो भाई सारी चीजें हो गई, अब मिलते हैं आगे। हमारे पास भी ओके 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 बाय बाय। ये नहीं जा रहा, ये ही जा रहा, ये ही जा रहा खाली। रामू भैया कल ब्लॉग में आ गई। खा लूंगा मैं, खाओ भाई सर। अब बेइज्जती करता है सर। अरे क्या, अच्छा क्या बुराई है? नहीं अच्छा बताओ। अच्छा क्या बुराई, क्या मंगा के खुद देख चुके हैं, अच्छा नहीं बना। अच्छा तो नहीं लगा देखो मेरे को भी पर्सनली। हाँ। सर जी से पहले कहा था पिज्जा जरूरी है, बेकार दो दिन में आए हैं जिम खा रहे हैं पिज्जा, ऐसे ही तो बॉडी बनेगी। सिंगर घर छोड़ देना, सब जुगाड़ देख रहे हैं अपना अपना। सिंगर पार करके जाइए यार, हम लोग यार तू सिंगर चाहे उस साइड चाहे रोड क्रॉस कर ली, इतनी बात कर लूंगा मैं भाई। मेरी बैटरी 98% है क्या बता रहा है ये? ये क्या खराब हो गई क्या यार? आगे बहुत बताओ चाहिएगा। 98% चार्ज हूँ मैं। ये 98 तो पहले भी दिखा रहा था। हाँ वही दिखा रहा है, बेकार गाड़ी, कौन सी कंपनी है? अटैचमेंट ऐसा। हमारी न्यू सवारी और हम जा रहे हैं जिम, हो गई हमारी हमारी न्यू सवारी जिम हो गई हमारी। ये वाह ऐसे ही करवाओगे हमारे जिम? ये जिम तो यार हमको भी करनी थी यार, जनता जवाब चाहती है। ये आ जाए रिकॉर्ड करते हैं यार, आज हो गए हमारी जिम, अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चलते। अच्छा ये तो बताओ पहले मेरे हाथ में भाई घड़ी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है। तो रख लूं फिर मैं इसको? ना दो, दो खराब लग रही है। नहीं ये नहीं रखूंगा ना, दूसरी ले ये तो घाटा हो जाए। हमारे जिम है ना ऊपर, सारे जिम के ऐसे कराए, ये है यहाँ चल रही जिम। मैंने ले आ चुका है पिज्जा, ये देख लो रुका नहीं जा रहा बाबू भैया। दाढ़ी मुझे सब साने गिरा दोगे नहीं तो मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ। सर जी क्या करें? सर जी कह रहे ये एक खत्म हो गया ना ये वाला, तो क्या कह रहे? कह रहे दो लाया करो यार, फ्लो बिगड़ जाता है। फिर तो चलो छोड़ो अभी, अरे रुक अभी, ऐसा नहीं हो, ना 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 ऐसा नहीं हो, आ जान दो, मैं कसम चढ़ा दूंगा सबको, माँ कसम किसी ने छू लिया तो। जल गया बस, आया मजा आया, अच्छा नहीं लगेगा। भैया ये वाला, ये फोक ले आओ, फोक वाली चप्पल दो तीन ले आओ, सर जी इसका बदला लिया जाएगा और मैं अभी भी ले सकता हूँ, रुक जाओ। ये देख देख भाई हम तो बद्दर है देख सीधी सी बात, हम दोनों बाकी सड़क वाले, ये सड़क वाले खाली करो बात ये। अच्छा चौथे नंबर की सामान था ये, और 4 मिनट नहीं लगे खत्म होने में, ये बंदा 3 खा गया, 3 पीस और जहाँ मिले ना वहीं पे लो। खाने बारे में भी कुछ बताओ। नहीं सर जी का तो बनता है, मतलब क्योंकि पिछले ज्यादा खाया था। कहा जाता
खाया था वो पास्ता। हाँ पास्ता वो डाला। हाँ लूट लिया ना जाके। अरे भाई पांचवा आइटम। अरे यही है डाला। अब रुक जाओ, देखो ये झपट्टा कोई नहीं मारेगा। कोई नहीं भाई। ठीक तीन ले लो मास्टर। तीन नहीं है, दो ही ले लो मास्टर साहब। तुम भी ले, तो मैं कहूं चाहिए तुम्हें बच्चों के साला। इसमें दो ही ये के खाओ, उनके पास दो है। और कह दो ना कि थोड़ा और रुक जाओ। तीन है ना, तीन पीस है। ये क्या बात हुई, ये टावर बनाने की क्या जल्दी है उसमें। मीट आवर न्यू फ्रेंड सत्यम को बेस्ट फ्रेंड। कितना कौन से नंबर का आइटम है ये? छठा या सातवां है ना शायद। और यहाँ ये देख लो गिलास पहले ही खाली। सर जी बहुत गंदे व्यक्ति हो। कॉफी है तो मगर ज्यादा ही गर्म है, मतलब ठंडा होना चाहिए। कोल्ड कॉफी है ना ये, तो ठंडी क्यों नहीं है ये? गर्म कोल्ड कॉफी है। अरे करेंगे, रुको यार। चलो भैया खा पी के आए थे जिम करने, और यहाँ पिज्जा कोल्ड कॉफी चल चुकी है। अब तो मन कर रहा है गाड़ी में सो जाऊं मैं। आप बताओ ब्लॉग में मेरे जाओ तो भाभी आए कि नहीं? अब जाना पड़ेगा। अरे मेरी बात का जवाब तो दो। अरे मैं पहले झंडी जाके पड़ी। अरे पहले पीछे। अरे पहले भाभी आए कि नहीं? तभी मुंह लाल है। तमाचो पी ले गए। ये सिगरेट रास्ता है बाबू भैया का। आपकी चिंता के लिए तो हम सोच रहे हैं, बता दो बड़ी चस्का है। एक दुकान मिल जाए तो पूछ लेंगे। हाँ मिल जाए तो मिल जाए तो आप ही के जूता ला बच जाए। रात को पता लगे बेड पर पटक पटक मारे जा दो। आप एक तो 6 बजे निकले हैं, 9 साढ़े 9 पहुंच गए सालौर भाई। तो बोल रहे अब पता चल रहा है, ये पता चल रहा है पहले ही खौफ पता चल रहा है कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए साला, अकेला ही बढ़िया है। अरे देखना दरवाजा ने खोल दो कोई सही। आरन वारन दही दिन ने खोल दे दी जान के। आरन वारन दे चुके ने खोल है ये तो फिर बस बन जाएंगे दोनों। दोनों धा दो। सो भाई कल घर आने में हो गए लेट, अराउंड 11:30 बज गए थे घर आने में। और जिम तो हो गई, जिम की शक्ल तक नहीं देखी साइड में, मतलब है जिम तो जिम की शक्ल तक नहीं देखी। ये हाल होता है कभी कभी। तो भाई वीडियो को एंड भी नहीं कर पाया था, तो अभी कर रहा हूँ वीडियो को एंड, मतलब सुबह नेक्स्ट डे है ये। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है नया चैनल। थोड़ा सा ऐसी सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है, मेन चैनल भी देखना। अगर किसी को कार्स वगैरह में इंटरेस्ट हो ना, रिव्यू वगैरह में, तो मेन चैनल देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही फनी और एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे आगे चल के, हो सकता है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी मिले बढ़िया मनाली लद्दाख वगैरह वाले। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें चारों चीज़ें जो अच्छा लगे वो कर देना। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही मस्त ब्लॉग में अपने। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।